तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आज उनकी पार्टी के 115 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर किया है प्रेस मीट में, लेकिन 4 विधानसभाओं के उम्मीदवारों का नाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, जिसमें मेरी एक गोशामल विधानसभा भी आती है। तो मैं आज ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी में दम नहीं है कि मेरी विधानसभा का कैंडिडेट वो डिसाइड करे, क्योंकि 2018 में एमआईएम ऑफिस जो दारूसलाम है, जो कार्यालय एमआईएम का, वहीं से 2018 में उम्मीदवार डिसाइड हुआ था, लेकिन 2018 के चुनाव में हमने पछाड़ दिया, यानी दूसरी बार भी विधायक जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल मैंने की है। इस बार भी मेरी विधानसभा से उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट जो चुनाव है मैं समझता हूं दिसंबर में चुनाव है, उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं असदुद्दीन ओवैसी दारूसलाम जो एमआईएम का जो कार्यालय, वहां से वो कैंडिडेट डिसाइड होगा। और किस प्रकार से कैंडिडेट होगा इनका, जो इनके तलवे चाटेगा, जो इनके इशारे पे नाचेगा। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, भले ही ये बीआरएस यानी टीआरएस से बीआरएस होगी ना, भले ही बीआरएस की सरकार या बीआरएस का उम्मीदवार होगा, इसकी स्टेरिंग हमारे हाथ में होगी। तो जो कैंडिडेट होगा उसकी स्टेरिंग इनके हाथ में होगी, ठीक है। 2014 में जीत हासिल की है आप सबके आशीर्वाद से, 2018 में भी हमारी जीत हुई है, 2023 का जो दिसंबर में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपका भाई राजा सिंह ही होगा, और फिर से एक बार गोशामेल की जनता के आशीर्वाद से ही तीसरी बार विधायक बनूंगा, क्योंकि मेरे को चुनाव लड़ने का उतना मन में नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से जो कीड़े मकोड़े जो उठकर जो मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना, चलो तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, आओ मैदान में, आर पार की लड़ाई मैं लड़ूंगा, देख लेंगे किसमें कितना दम है।